الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى في مقام آخر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأنشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معزز السامعين الكرام اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اور اسلام عطا کیا ہم مسلمان ہیں سچے خدا وحدہ لا شریک کی ہم لوگ الحمدللہ عبادت کرتے ہیں اور ہمیں فخر بھی ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اللہ والوں نے فرمایا جب بھی اپنے اس دین کا یاد دین کو یاد کرے یا یہ دین یاد آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کیونکہ ہم اپنی محنت سے اس دین میں داخل نہیں ہوئے بلکہ اللہ اپنے فضل سے ہم کو اس دین میں داخل کیا ہے اور فخر کی بھی بات ہے کسی کے پاس درہم و دینار کی دولت ہو وہ فخر کر رہا ہے کسی کے پاس حسن ہو وہ فخر کر رہا ہے کسی کے پاس طاقت ہو وہ فخر کر رہا ہے کسی کے پاس حکومت ہو وہ فخر کر رہا ہے زر زیور ہو وہ فخر کر رہا ہے پھر ہم فخر کیوں نہ کریں کہ ہمارے پاس تمام دولتوں میں سب سے بڑی اور اہم دولت ایمان اور اسلام ہے یقیناً یہ فخر کی بات ہے فخر کا مطلب کیا ہے غروری کرنا نہیں اسلام غروری اور تکبر سے قطعاً منع کیا ہے بندوں سے اللہ تبارک و تعالی غروری اور تکبر کو پسند نہیں کرتے یہاں فخر سے مراد ہے اللہ کا شکر
वरना अपने दीन में भी अगर कोई आदमी फक्र करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसके दीन को छीन ले। थानवी अलैहि रहमा ने फरमाया, लोग तो बड़ी आसानी के साथ दुनियावी अशिया पर फक्र करते हैं जबकि शरीयत दीन में भी फक्र करने से मना किया है। दुनियाई धन दौलत तख्त व ताज को सामने रखकर तकब्बुर करते हैं लेकिन शरीयत ने दीन और इबादत में भी तकब्बुर करने से मना फरमाया है। एक छुपी हुई बीमारी है जो दिलों के अंदर रहती है, अल्फाज बदल बदल कर इसके कुछ माने आ जाते हैं जो इंसान के दिल के अंदर रहती है चीज। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी के दिल के अंदर जर्रा बराबर भी तकब्बुर हो, उज्ब हो, बड़ाई हो, फक्र हो, वो फक्र करता है। अल्लाह फरमाते हैं, मेरी इज्जत की कसम, जब तक वो सजा नहीं पाएगा उससे पहले मैं जन्नत में दाखिल नहीं करूंगा। एक मेरी कसम, एक आपकी कसम, एक हमारे बड़े और छोटों की कसम। जरा सोच कर देखिए खुदा की कसम का पावर क्या होगा, खुदा की कसम की ताकत क्या होगी। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी इज्जत की कसम तकब्बुर करने वाला आदमी जरा बराबर भी अगर दिल के अंदर तकब्बुर रख के मरेगा, अल्लाह बगैर सजा के उसे जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। दुनियाई मामलात में नहीं बल्कि दीन के मामलात में कई हजारों वाकियात पड़े भरे हैं मेरे दोस्तों कि अगर कोई आदमी दीन के मामलात में फक्र करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी इबादत को जाये करते हैं। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी सीरत तफसील के साथ ताकरातों में आपने सुना, कितने बड़े वली कामिल, बल्कि उस जमाने के औलिया का इस बात पर इत्तेफाक था, जिसने बायजीद बुस्तामी को देखा उसका दिल साफ हो गया, हिदायत मिल गई। एक मर्तबा लंबी चौड़ी इबादत करके मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं, दिल के अंदर कुछ ख्याल पैदा हुआ, आज मैंने बहुत अच्छी इबादत की, अल्लाह वालों की इबादत, उनकी इबादत उनको पसंद नहीं आई तो फिर किसे पसंद आएगी। आज अपने ईमान को सामने रखकर इस वक्त हम फैसला करें, बरसों से नमाजें पढ़ रहे हैं, अल्लाह को पसंद आना हमारी नमाज तो दूर की बात, अब तक हमारी नमाज हमना खुद पसंद नहीं आई। सोचो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सोचो इस जुमले पर गौर करो, कभी कोई सजदा हमको पसंद आया, बहुत दूर की बात अल्लाह को पसंद आ जाए। कोई क़याम, कोई क़ूत, कोई सजदा, कोई रुकू, कोई सलाम हमको पसंद आया। कभी बाहर निकलकर हमने अपने दोस्त से इस बात का इजहार किए कि भाई आज न मालूम के नमाज में इतना मजा क्यों आया। कभी अपने दोस्त से इस बात का इजहार किए कि भाई न मालूम कि आज हमको सजदे में इतना क्यों मजा आया। भाई नहीं मालूम कि आज जब कारी साहब कुरान पढ़ रहे थे मेरा दिल क्यों मचल रहा था। फैसला है फैसला कि जो नमाज हमको खुद पसंद नहीं आई वो क्या खाक खुदा को पसंद आई। औलिया की नमाजें तो बहुत अजीब नमाजें, बहुत बड़ी नमाजें, यकीनन उनको पसंद आती होगी क्योंकि उनकी नमाजें हमारी नमाजों की तरह नहीं है। वो जब तकबीर के लिए हाथ उठाते कसम वहदहू ला शरीक की, यकीनन दुनिया को पीछे डालकर अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाते। थानवी ने लिखा है, अहकाम इस्लाम अकल की नजर में ऐसे जो हाथ उठाते हैं ना तकबीर तहरीमा के लिए, ऐसे अल्लाह अकबर
ऐसे जो हाथ उठाते ना, वो दुनिया को एक इशारा करता है बंदा के, चल हट पीछे जा, अब मैं खुदा के आगे हूं। तकबीरे तहरीमा का मतलब भी कभी समझ में आया कि हम ये हाथ क्यों उठा रहे हैं, इस हाथ से हम क्या करना चाहते हैं, इस हाथ के उठाने का मकसद क्या है, कभी हमने किसी को पूछा या सोचा या समझा? देखो अल्लाह ताला हजरत थानवी के कब्र मुबारक को नूर से मुनव्वर फरमाए, इस्लाम की एक एक अमल को अकल के दायरे में लाया और बताया कि तेरा कोई अमल दुनिया और आखिरत के फायदे के बगैर नहीं है। जब एक बंदा अल्लाह ताला के दरबार में हाथ ऐसे उठाता है अल्लाह अकबर, तो इसका मतलब यह है कि बंदा दुनिया से खिताब करता है, चल हट तू बड़ा नहीं, अल्लाह बड़ा है, पीछे जा, अल्लाह के आगे मैं हूं। कभी ये सोचकर तकबीर 25 50 60 साल से पढ़ रहे हैं नमाज, कभी एक तकबीर तहरीमा में भी यह नीयत आई हमको अल्लाह अकबर? जब बंदा कहता है ऐ अल्लाह तू बहुत बड़ा है, तेरे से बड़ा कोई नहीं है, तो अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे जब तू मुझे मेरी बड़ाई का इकरार कर रहा है, जमीन में मैं तुझे कभी जलील नहीं करूंगा। जरूरत है कि दिल से निकले आवाज, बोलो इंशाल्लाह आज ऐसी तकबीर बांधेंगे। बस कोशिश करो ऐसी तकबीर बांधेंगे, चल हट। अरे दो जने लड़ते रहती भी, पावरफुल है हट भरे, इशारा करता नहीं, ऐसा करता नहीं, करता ऐसा अपना इशारा करते हैं हट भरे। वैसे दुनिया को एक बंदा कहता है हट पीछे जा। हजरत मौलाना हकीम अख्तर साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े वली कामिल आज भी बाहयात फरमाते हैं, जब बंदा किस दुनिया को पीछे डालता है वो अल्लाह के करीब होता है। मिसाल ऐसी कि कोई कश्ती चलाने वाला लकड़ी को ऐसे करके पीछे करता है तो पानी पीछे जाता है, कश्ती आगे बढ़ती है। जब ऐसे करता है पानी को, तीर ना आता, तीर ना भी सुन्नत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ने इबादत भी बनाया है, सेहत भी बनाया है, उसमें से एक तीरंदाजी। तीरंदाजी उस जमाने में, इस जमाने में तीरंदाजी नहीं, शूट AK-47, निशानाबाजी, ये भी सुन्नत है। तीरना तैरना जिसे कहते हैं ये भी सुन्नत है। बीवी के साथ मोहब्बत और प्यार की गुफ्तगू करते हुए बैठना ये भी सुन्नत है। घोड़ सवारी करना ये भी सुन्नत है। सात सुन्नत के सेहत भी है आका ने फरमाया। यहां तक आका ने फरमाया जो आदमी तीरंदाजी हो या तैरना हो या घोड़ सवारी हो सीखा और भूल गया, ऐसा भुलक्कड़ मेरी उम्मत का नहीं है। तीरना भी सीखना, हमने कहा बेंगलुरु में एक बोड़ी भी नहीं है, हाई जो स्विमिंग पूल ही हमारे से ज्यादा गलीज ही, कहीं मौका मिल जाए तो सीख कर रखो, न मालूम कि कब हमारी कश्ती भंवर में आ जाए, हमको तीरने का मौका मिल जाए। तीर अंदाजी भी, बीवी के साथ वक्त गुजारना भी। सफर में था, मुताला कर रहा था, बात बीच में आ गई, अर्ज करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मसरूफियत के बावजूद, पैगंबर की मसरूफियत मामूली मसरूफियत नहीं, एक पैगंबर से ज्यादा इस धरती के अंदर कोई मसरूफ नहीं, सबसे ज्यादा मशगूल और सबसे ज्यादा मसरूफ एक पैगंबर होता है, और पैगंबरों में सबसे ज्यादा मसरूफ हमारे आका थे। इसके बावजूद ये खिस्सा अपनी बीवियों के साथ, बीवियों की दिल जोई में अपना वक्त गुजारते थे, मजाक करते थे, वक्त लगाते थे। और हदीस में आता है कि बीवी की दिल जोई इतना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे कि बीवी के इंतकाल के बाद भी
उस बीवी को आखिरत में खुश करने के लिए यहां उसकी फिक्र में लगे रहते थे। हदीस में आता है कि कभी कभार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर बकरी जबा होती तो गोश्त का एक हिस्सा निकाल कर हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के सहेलियों को आशनियों के घर तोहफा भेजते थे ताकि इसका यहां तोहफा भेजना जब खदीजा को मालूम होगा तो खदीजा खुश हो जाए। अब इसके वास्ते तुम लगा मेरे जोरू के कौन कौन आशनिया ही उनको तोहफा देखो भेजने जाते हैं। आज देने वाले का दिल भी साफ नहीं, लेने वाले का दिल भी साफ नहीं है। देने वाले का मकसद कुछ और होगा, लेने वाली का मकसद कुछ और होगा। मंजे कहीं को इसका नोशो देखो भेजा, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। बीवी के साथ वक्त गुजरता है, ए भी दिल जोई, तीरंदाजी दिल जोई, तैरना दिल जोई, सब कुछ। तैरने वाले को देखो कि वो कैसे तैरता है, आगे बढ़ना है तो पानी को ऐसे ढकेलता है तो वो आगे बढ़ जाता है, पीछे जाना है तो ऐसे पानी को ढकेलता है तो पीछे हो जाता है। हजरत मौलाना हकीम अख्तर साहब दामत बरकातुहुम ने फरमाया कि तैरने वाले को देखो कि वो पानी को जब ऐसे करता है, कश्ती चलाने वाले को लकड़ी के नाव से ऐसे करता है तो पानी पीछे जाता है, कश्ती आगे बढ़ जाती है। अल्लाह के दरबार में अल्लाह का एक बंदा खड़े होकर हाथ उठाकर दुनिया को पीछे डालता है, दुनिया पीछे चले जाती है, ये बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। ऐसी इबादतें करेंगे तो तब जाकर हमारी इबादतें हमको बहुत पसंद आएगी। जब हमारी इबादत हमको अच्छी लगेगी तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह से अर्ज करेंगे कि मौला तो कबूल कर ले, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे यकीनन मेरे बंदे तेरा सजदा मुझे पसंद आया, तेरा रुकू मुझे पसंद आया, तेरा कियाम मुझे पसंद आया, तेरी तकबीर मुझे पसंद आई, तेरी तस्बीह मुझे पसंद आई, तेरा सलाम मुझे पसंद आया। तुझे क्या मालूम कि जब तू इस तरफ सलाम फेरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह तो तेरा साउंड तो कम था लेकिन मैंने तेरी आवाज को आधी दुनिया में पहुंचा दिया। इधर सलाम फेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तेरी आवाज तो पस्त थी लेकिन तेरी आवाज को मैंने इधर की आती दुनिया को पहुंचा दिया। दुआ करते भी रहो, कोशिश भी करो कि अल्लाह ऐसी नमाजें हमको अता करे। अब बायजीद मुस्तमिर रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज पढ़कर बाहर निकलते निकलते सोचे कि आज मैंने बहुत अच्छी नमाज पढ़ी, जरा हल्का सा फक्र आया, थोड़ी दूर गए खेलते हुए बच्चों में से एक छोटा सा बच्चा साहिबे कश्फ था, साहिबे कश्फ करामत छोटा बच्चा था, बायजीद को देखकर कहने लगा कि बुड्ढे फिर से कलमा पढ़ ले और नमाज पढ़ ले, तेरी नमाज जाये हो चुकी है। उस जमाने में थे बच्चे साहिबे कश्फ करामत, आज बड़ों को वो करामत हासिल नहीं, बड़ों को वो कश्फ हासिल नहीं। ए बुड्ढे फिर से कलमा पढ़, फिर से नमाज दोहरा, अल्लाह ने तेरी नमाज को जाय कर दिया है। बल्कि मैं तो बुड्ढा कहा हूं, तस्किरतुल औलिया में लिखा हुआ है कि ऐ काफिर कलमा पढ़ा, तकब्बुर से आमाल जाय हो जाते हैं, औकात को अल्लाह ताला बदल देते हैं, हैसियत मिटा के रख देते हैं, जन्नत से निकाल कर जहन्नम के घाट उतार देते हैं। और अल्लाह ताला को तकब्बुर किसी का पसंद नहीं आता, तो अंबिया तो करते नहीं, बेचांस कभी कोई तकब्बुर की ये हवा उनके दिल के पास से भी गुजरती है अल्लाह को वो भी पसंद नहीं। सूरह यूसुफ के अंदर लिखा हुआ है हजरत यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत, बल्कि अंबिया अलैहिस्सलाम के मोजजात में यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो मोजजा के अता हुआ वो हुस्न का मोजजा अता हुआ। इतना हसीन तो कोई आम इंसान हो नहीं सकता सिवाय नबी के अल्लाह के पैगंबर के, हुस्न यूसुफ अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और यूसुफ का मौजजा था। बचपन ही से हसीन और जमील थे, लेकिन इतने पैगंबर भी हसीन भी जमील भी लेकिन गुलाम कैसे बन गए, बाजार मिस्र में कैसे खरीदे गए, बेचे गए, जेल को कैसे चले गए। तारीख और तफसीर यूसुफ में आता है कि बचपन में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक मरतबा आईना देखे, अपनी सूरत देखी तो अपने आप से कहने लगे यूसुफ बहुत हसीन है तू, अपने हुस्न पर जरा फक्र आ गया। आईना देखे अपना हुस्न नजर आया, अपने आप से कहने लगे कि यूसुफ तू तो बहुत हसीन है।
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جاؤ قربان جاؤ. آئینہ دیکھنے والے کو یقیناً عجب پیدا ہوتا ہے, تکبر پیدا ہوتا ہے, فقر پیدا ہوتا ہے, دیکھتے ہی اپنا حسن نظر آتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے اس تکبر کو مٹانے کے لیے میں ایک دوا اور دعا دیتا ہوں, جیسے ہی آئینہ دیکھو وہ دوا اور دعا پڑھ لو تمہارا تکبر ختم ہو جائے گا, بجائے تمہارا حسن کم ہونے کے زیادہ ہو جائے گا. آئینہ دیکھے فوراً دعا کرو اللہم انت حسن تقلقی فحسن خلقی الحمدللہ, تو تکبر بھی ختم ہو گیا, الحمدللہ کہنے کی وجہ سے ہمارا حسن بھی بڑھ گیا. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھے کیا میں بہت حسین ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت یوسف کا یہ بڑپن پسند نہیں آیا, فوراً حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تاریخ میں کچھ واقعات کو داخل کر دیا. بھائیوں کے اندر حسد پیدا ہو گیا اور بھائیوں نے فروخت کر دیا, یہاں تک کہ وہ حسن ان کو لے جا کر جیل خانے تک پہنچا دیا. اللہ نے کہا کہ ترقی کا سبب حسن نہیں, ترقی کا سبب دولت نہیں, ترقی کا سبب حکومت نہیں. اگر ترقی حسن ہوتی یوسف تو تم جیل کو نہیں جاتے. اب ترقی تمہاری یہاں سے شروع. احساس ہوا حضرت یوسف استغفار کرے, توبہ کرے, اللہ بچپن میں مجھ سے وہ غلطی ہو گئی, مجھے معاف فرما, یہ جو سزا ہے تو اپنے طرف سے نہیں میرے اعمال کا نتیجہ ہے. آئینہ دیکھ کر میں نے عجب کیا تھا, کچھ تکبر کیا تھا, کچھ فقر کیا تھا اور مجھے سزا بھی مل گئی, مجھے معاف کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبے کو معاف کیا, جیل میں بیٹھے رہے. اچانک دو قیدی ملتے ہیں, دونوں نے خواب دیکھا. لمبا واقعہ ہے, کبھی تفسیر یوسف میں آپ کے سامنے آ جائے گا. تو دو قیدی خواب دیکھتے ہیں, تعبیر بیان کرتے ہیں. اس کے بعد بادشاہ خواب دیکھتا ہے, تعبیر بیان کرتے ہیں. جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا علم سامنے آیا تو جیل خانے سے نکلے تو ملک کے وزیر خزانچی بن گئے. تکبر ہوا, جیل کو گئے, علم نظر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت بھی ادا کر دی اور ملک کا بادشاہ بھی بنایا, وزیر خزانہ بھی بنایا. تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی پسند نہیں. فقر سے بچا کرو میرے دوستو, دنیائی معاملات میں تو دور کی بات, دین کے معاملات میں بھی فقر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اسی لیے ہمیشہ اللہ والے اپنے علم کو, عمل کو, اپنے تقوی کو چھپانے کی کوشش کرتے, لوگوں کے نگاہوں میں جہاں تک ہو سکے ذلیل ہونے کی کوشش کرتے, کہیں ہمارے علم اور عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے, تکبر سے ناراض نہ ہو جائے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. جنید بغدادی معمولی شخصیت نہیں, اتنے بڑے ولی کامل حضرت جنید بغدادی. تاریخ میں آتا ہے جنید بغدادی اپنے مامو حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں بیعت کی. مامو شیخ, بھانجے مرید, مامو کے ہاتھ میں بیعت کیے, سات آٹھ سال کی عمر میں بیعت کر دی. ایک مرتبہ ایک جماعت مریدوں کی حضرت سری سختی شیخ سے پوچھنے لگے کہ اے شیخ, کبھی مرید کا درجہ شیخ سے بھی بڑھ سکتا ہے؟ شیخ کا درجہ بڑا, مرید کا درجہ چھوٹا, ظاہر بات ہے. کبھی مرید کا درجہ شیخ سے بھی بڑھ سکتا ہے؟ تو حضرت سری سختی نے فرمایا بڑھ گیا ہے. وہ کیسے؟ یقین نہیں آتا تو میرے جنید کو دیکھو جو میرا مرید ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں میرے سے بھی زیادہ مرتبہ ہے اس کا. جنید بغدادی اپنے وقت کے ایک بہت بڑے ولی کامل ہیں. ایک مرتبہ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ جنید بغدادی کو مجلس میں کہا کہ جنید تقریر کرو. آج تو تقریر کرنے کے لیے ہر کوئی بیٹھ جاتے نا. منصب تقریر ہر کسی کا کمال نہیں ہے. جنید بغدادی نے کہا کہ حضرت کیسے بیٹھوں؟ نہیں جنید, آج میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے کہ کل کی مجلس میں سری تم تقریر نہیں کرو گے, جنید سے کہو کہ وہ تقریر کرے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کل کی مجلس کی فضیلت کیا ہے کہ میں نہیں جنید تقریر کرے؟
तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं नहीं, मुझे अभी अल्लाह का हुक्म आया है कि तुम्हारे उम्मत की सिर्री को कहो कि कल की मजलिस में जुनेद तकरीर करे, इसलिए कि कल एक मजलिस में गुनहगार आने वाला है, जुनेद की तकरीर सुनकर वो ताब नहीं लाएगा, उसी वक्त उसका इंतकाल होगा, मैं उसे जन्नत में दाखिल करना चाहता। इतना बड़ा वली जिसे तकरीर करने का हुक्म अल्लाह के रसूल दे रहे हैं, अल्लाह के रसूल को हुक्म अल्लाह तबारक व तआला दे रहे हैं, जरा सोच कर देखो कि कितने पाए का वली होगा। ऐसा आशिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर के अंदर चोर आया, हजरत जुनेद बगदादी की खमीस उठा लेको चलेगा। कैसा चोर रहना, निगाहों के सामने चोर आता, जाकर बाजार में बेचने लगा। वो खमीस खरीदने वाला बेचने वाले से कहा, जब तक ये खमीस तेरी बोलकर तू गवाह पेश नहीं करेगा, जब तक तेरे से मैं ये खमीस नहीं लूंगा। उसी वक्त जुनेद बगदादी बाजार से गुजर रहे थे, चोर के हाथ में खमीज देखे और लेने वाली की गुफ्तगु को सुना, फौरन कहने लगे, हाँ ये खमीज इसी की है, जुनेद गवाही देता है। उस वक्त जुनेद बगदादी चाहते तो कह सकते थे ना, इन्हें चोर मेरी खमीज ले लिया, सो बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे। जुनेद बगदादी खरीदने वाले से कहा, यह कमीज उसी की है, जुनेद गवाही देता है। खरीदने वाला तो खरीद लिया, लेकिन चोर पैरों में गिर गया, हजरत माफ फरमाए, आज तो मेरी इज्जत बचा ली, ये कमीज तो आपकी, अब बेच तो दिया हूं ये पैसे आपके। हजरत जुनेद बगदादी ने कहा कि नहीं भाई, ये कमीज मेरी नहीं तेरी ही है, हजरत ये कमीज आपकी है। तो जुनेद बगदादी ने कहा कि मेरी थी, जब तू चुराया तो मैंने उसी वक्त ये कमीज तेरे लिए माफ कर दिया। हजरत भला चोरों को भी माफ करते हैं कहीं? चोरों के तो हाथ काटे जाते हैं ना, चोर काबिले माफी नहीं होता। चोरों को सजा देना दूसरे लोगों के माल की अमानत है, चोर को माफ करते रहेंगे तो फिर दूसरे लोग मामून नहीं रहेंगे। आज तो चोरों को खुली छूट है, चुराने वालों को ओहदे दिए जाते हैं, चुराने वालों की इज्जत भाव बढ़ जाती है, चोरों को माफ नहीं किया जाएगा। पैगंबर ने क्या कहा कि मोहम्मद की बेटी अगर फातिमा भी चुराएगी हाथ काटा जाएगा। हजरत भला चोरों को भी माफ करते हैं? हजरत ने फरमाया, दिल तो ये कह रहा था कि माफ न करूं, लेकिन मुझे पैगंबर की वो हदीस याद आ गई कि मेरे आका हशर के मैदान में उस वक्त तक जन्नत को नहीं जाएंगे जबकि आपका उम्मती हिसाब देकर न जाएगा। अगर मैं तुझे माफ न करूं, तेरा हिसाब अल्लाह के दरबार में अटकेगा, तेरे इंतजार में मेरे पैगंबर को जन्नत में जाने में ताखीर होगी, इसलिए तू जैसे ही चुराया मैं इस खमीज को तेरे लिए हलाल कर दिया। इतना बड़ा वली, कितना बड़ा वली, जरा सोच कर देखिए, कितना बड़ा अल्लाह वाला। मस्जिद में बैठे हुए हैं, अचानक एक आदमी जुनेद बगदादी के पास आया, आकर कहने लगा कि जुनेद, तुम्हारे चेहरे से मुझे गुनहगारों की बू आ रही है, छेड़ने के लिए, तकलीफ देने के लिए, तुम्हारे चेहरे से गुनहगारों की बू आ रही है। उसी वक्त जुनेद बगदादी ने कहा, सच कह रहा है, गांव में जाकर ऐलान कर दे, किसी को ख्वाहिश है किसी गुनहगार को देखने की, वो आकर मस्जिद में जुनेद को देख ले। गांव में जब ऐलान हुआ, गांव वाले दौड़ कर आए तो देखते क्या है कि मस्जिद के अंदर जुनेद बगदादी बैठे हुए हैं। हजरत आप गुनहगार? हजरत ने फरमाया, गुनहगार नहीं तो और क्या है, आज मस्जिद में अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज पढ़ने की तौफीक दी। कान खोल के सुनो मेरे दोस्तों, तकब्बुर, रिया, उज्ब, बड़ाई, गुरूरी कितनी बुरी चीज है। अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे कैसे लोगों को तकब्बुर की वजह से सजा दी है। जुनेद बगदादी ने कहा, आज मैं नमाज पढ़ रहा था, नमाज में मुझे जन्नत का दीदार हुआ, तो नमाज के अंदर मैं सोचने लगा कि जुनेद तू कितना बड़ा है, तेरी नमाज में तुझे जन्नत दिखाई दे रही है। खाली ये सोचना था कि नमाज खत्म नहीं हुई, अल्लाह ताला ने मुझे जलील कर दिया। लड़ाई बहुत बुरी चीज, अजब बहुत बड़ी चीज, इससे बचो, हर किसी के सामने छोटे बनकर रहो।
दुनियाई मामलात में तो दूर की बात, दीन के मामलात में भी आजिज़ी। आज दो रकात नमाज पढ़ लिया तो मोहल्ले का बहुत बड़ा वली समझ जाता है, तीन दिन अगर अल्लाह के रास्ते में निकल गया तो बहुत बड़ा वली समझ जाता है, अभी नई नई दाढ़ी छोड़ लिया तो बहुत बड़ा वली समझ जाता है, हज को जाकर आ गया तो बहुत बड़ा खुतुब समझ जाता है, जुब्बा पहन लिया तो बहुत बड़ा गौस समझ जाता है। अपनी इबादतों को कमतर समझना अल्लाह के निगाहों में मुअज़्ज़ज़ होने की दलील। सबके सामने आजिज होना, वरना हमारी हैसियत क्या? अल्लाह ने बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा। हजरत अब्दुल्ला उंदुलुसी, नाम याद रखो, वाकयात याद रखो, बार बार इसे रिवर्स कर करके सुनो, अपने दिल के अंदर इन बयानात को लेकर आओ और अपनी औकात को सामने रखो। आज क्या है, हर कोई तकब्बुर और फक्र की बीमारी में मुब्तला है। मुझे माफ फरमाए मेरे दोस्तों, ये बीमारी है कैंसर और एड्स से भी ज्यादा बुरी है। माल में तकब्बुर करने वाले, ओहदों में तकब्बुर करने वाले, दौलत में तकब्बुर करने वाले, बड़ों के सामने गुरूरी, औलाद है मां बाप के सामने, दोस्त है दोस्त के सामने, आलिम है जाहिल के सामने, अल्लाह हिफाजत फरमाए, जवई है सास ससुरां के सामने, गुरूरी ही गुरूरी, फकर ही फकर। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता, तवाजु सिखाता है, इंकिसारी सिखाता है। तवाजु से जितना मर्तबा बुलंद होता है, तकब्बुर से उससे कई दर्जे ज्यादा घट जाता है। अबू ज़र ग़फ़ारी, ये उन तीन सहाबा में से थे जिनको कई मर्तबा अल्लाह का सलाम आया है। सलमान फारसी, अबू ज़र ग़फ़ारी, हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, जमाते सहाबा में ये वो किस्म के सहाबा हैं जिनको अल्लाह का सलाम आता था। पैगंबर के पास जिब्राइल आए, आकर कहने लगे कि पैगंबर, सलमान से, अबू ज़र से, अबू तलहा से तुम भी मोहब्बत करो, इसलिए कि जमीन और आसमान का खुदा इनसे मोहब्बत करता है। सनत थी इनके पास, मुत्तकी परहेजगार। उस्मान गनी के जमाने में मुल्क शाम के गवर्नर बनाकर भेजे गए, हाथ में असा, लोगों के दस्तरखान झांका करते थे। किसी के दस्तरखान में दो किस्म का सालन होता, अपने असे से मारते और कहते कि हमारे आका को एक किस्म का सालन भी मुयस्सर नहीं, तू कैसा गुलाम है कि दो किस्म का सालन खाता है। मुल्क शाम की रियाया ने खत लिखकर उस्मान गनी को भेजा, उस्मान, अबू ज़र हमारा जीना दो भर कर दिए। उस्मान गनी बनफ्स नफीस मुल्क शाम आए, आकर देखा कि यकीनन मुल्क शाम की रियाया ने जो लिखा उस्मान को ऐसे ही पाया, न रात को सोते न दिन को सोते, लोगों का अलग अलग हाल दरियाफ करते, एक एक आदमी के अंदर नबी की सुन्नत बसाने की कोशिश करते, किसी के पास कीमती कपड़े हो तो फाड़ देते, दस्तरखान में दो सालन हो तो एक सालन उठाकर खैरात कर देते। लोगों का जीना तंग हो गया था, हालांकि इनका यह करना गलत नहीं था, नबी की सुन्नत को जिंदा करना मकसद था इनका। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि उस्मान गनी ने कहा अबू ज़र से कि अबू ज़र, आपको वो बात याद है जबकि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने आपको देखकर कहा था कि अबू ज़र, तू जिएगा तन्हा मरेगा तन्हा। हाँ, तो उस्मान गनी ने कहा कि अबू ज़र, वो वक्त आ गया है, वो वक्त आ गया है, एक काम करो, गवर्नरी का इस्तीफा देकर जंगले बयाबान चले जाओ। अमीरुल मोमिनीन का कानून था, अबू ज़र ग़फ़ारी इस्तीफा देकर जंगले बयाबान को चले गए। कई साल गुजरने के बाद उस्मान गनी को अबू ज़र याद आए, चलो फिर एक मर्तबा जाकर जंगले बयाबान में देखें, हमारे अबू ज़र आशिक़े रसूल का क्या हाल हुआ है। जंगले बयाबान में जाकर देखते हैं, एक नदी के किनारे इत्मीनान से बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, गए सलाम किए, मुसाफा मुआनका हुआ। उस्मान गनी ने अबू ज़र ग़फ़ारी
غفاری سے پوچھا ابو ذر کیا حال ہے, تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا عثمان تمہارا شکریہ, دنیا سے ہٹا کر مجھے آخرت کے قریب کر دیا, بہت مزہ آ رہا ہے یہاں. ابو ذر کیسا حال گزر رہا ہے, کیا کھاتے ہو کیا پیتے ہو؟ ابو ذر غفاری نے کہا کوئی روٹی مل جاتی ہے تو کھا لیتا ہوں, ورنہ ٹڈیوں کو توڑ کر کھا کر اس پانی کو پی لیتا ہوں, بلکہ اکثر میں روزہ رکھا کرتا ہوں. حضرت عثمان غنی نے ابو ذر غفاری سے پوچھا ابو ذر بتاؤ تمہاری دنیا کے اندر کوئی خواہش بھی ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا ہاں میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات سردی کی رات بنائے, ہر دن گرمی کا دن بنائے. کیوں ابو ذر ایسی کیوں خواہش پیدا ہو گئی؟ ابو ذر غفاری نے کہا کہ عثمان غنی مجھے گرمی کے روزوں کا تڑپنا پسند آتا ہے, سردی کے روزوں کا وضو پسند آتا ہے. اتنا بڑا ولی کامل صحابی رسول, ان کا مرتبہ اتنا کیسے بلند ہوا؟ جبرائیل اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے, سلام کیا, دور سے حضرت ابو ذر غفاری آ رہے. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ابو ذر قد اقبل, ابو ذر آ رہے. اللہ کے رسول نے ابو ذر غفاری کے بارے میں سن کر جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل کیا تم بھی ابو ذر کو جانتے ہو؟ کیوں نہیں یا رسول اللہ, ابو ذر زمین میں جتنا مشہور ہے اس سے کئی درجے زیادہ آسمان میں مشہور ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا وہ کس لیے ابو ذر, وہ کس لیے جبرائیل؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ, جبرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ ابو ذر کی دو عادتوں کو بے حد پسند کرتا ہے, جس کی وجہ سے آسمانوں میں ابو ذر کا چرچا بہت زیادہ ہے, کیا وہ دو باتیں ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ایک بات یہ ہے کہ ابو ذر بہت تواضع اختیار کرتے ہیں, کبھی فخر نہیں کرتے, دوسری بات یہ ہے کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, قل هو اللہ احد کا سورہ کثرت سے پڑھتے ہیں. یہ دو عادتیں اللہ کو اتنا پسند کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آسمانوں میں ابو ذر کا تذکرہ کرتا ہے, ذکر کرتا ہے. تواضع سے انسان کتنا بلند ہو گیا, اگر تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی ذلیل کر دے گا. دو عادتیں, ایک تواضع کرتے اور ایک قل هو اللہ احد کا سورہ کثرت سے پڑھتے. یہ وہ سورہ ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے, یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہے کہ یہ سورہ آٹومیٹک یاد ہو جاتا ہے, اسے جا کر یاد کرنے کی ضرورت نہیں. کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو, دو یا تین سورے تو کمپلسری اسے یاد رہتے ہیں, ایک سورہ فاتحہ, ایک سورہ اخلاص, ایک سورہ کوثر, بار بار وہ سورے پڑھتے ہم لگے, پڑھتے نہیں پڑھتے. یہ کیسا یاد ہوا ایک جاہل کو جس نے مدرسے کو گیا نہیں, قرآن کھولا نہیں, سن کر یاد ہو گئے یہ سورے, بار 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 پڑھتے. اور ہر مسلمان کو یہ سورہ کمپلسری یاد ہوتا ہے. یہ صرف آفر ابو ذر غفاری کے لیے نہیں تھا, اگر ہم بھی کثرت کے ساتھ یہ سورہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی تذکرہ آسمان میں ہوگا. ہمیں کہاں پڑھتے, نماز میں نہیں پڑھتے بولے تو نماز کے باہر پڑھیں گے؟ کتنی نمازیں ایسی ہیں خالی ہاتھ باندھتے رکوع کو جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں, کیا پڑھنا معلوم نہیں, معلوم رہا تو بھی دنیا کے خیالات میں پڑھنا بھول جاتے ہیں. نماز میں صحیح نماز نہیں پڑھتے, قیام میں کیا پڑھنا, سجدے میں کیا پڑھنا, رکوع میں کیا پڑھنا, اٹھتے وقت کیا پڑھنا, قاعدے میں کیا پڑھنا, درود کون سا پڑھنا, دعائے معصورہ کیا پڑھنا, سلام کیسا پڑھنا, اتنی توجہ کے ساتھ ہمیں نماز میں پڑھنے کی چیزیں نہیں پڑھے تو کیا نماز کے باہر پڑھیں گے؟ کتنا اچھا ہوتا کہ باہر کام کرتے کرتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بار بار اگر پڑھتے رہتے, کوئی دن میں 70 مرتبہ پڑھتا, کوئی دن میں 100 مرتبہ پڑھتا, اس کا تذکرہ زمین میں نہیں آسمان میں ہوتا. ایک رات پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا کر رہے ہیں, اے اللہ میری امت کو ہلاک نہ کر, میری امت کو ہلاک نہ کر. اللہ تعالیٰ پیغمبر کے تڑپنے کو ترسنے کو دیکھ کر پیغمبر کے پاس جبرائیل کو بھیجا اور کہا اے جبرائیل میرے پیغمبر کو جا کر بشارت دے کر آؤ. کیا بشارت دوں یا الہی؟ جاؤ جا کر پیغمبر سے کہو
कि वो अपनी उम्मत के बारे में फिक्र न करें। अगर उसकी उम्मत को मुझे हलाक करना होता तो मैं रमजान और सूरह इखलास उस उम्मत के लिए नहीं उतारता। मेरी उम्मत जब तक रमजान के रोजे रखते रहेगी और सूरह इखलास को पढ़ते रहेगी, मेरी उम्मत कभी इज्तिमाई तौर पे हलाक नहीं होगी। हर सूरतों के अलग अलग फायदे हैं मेरे दोस्तों। बहुत छोटा सूरा है, कसरत के साथ पढ़ो, दिन में 50 मरतबा पढ़ो, 100 मरतबा पढ़ो, 70 मरतबा पढ़ो, 200 मरतबा पढ़ो, मौका मिल गया तो पढ़ते रहो, खामोश रहने के बजाय पढ़ो। लेकिन आज दुनिया के बातें करने के लिए हमारे पास वक्त है, चुगली खाने के पास हमारे पास वक्त है, गीबत करने के लिए हमारे पास वक्त है, गाली देने के लिए हमारे पास वक्त है, टाइम पास करते हैं, लेकिन इस वक्त को अल्लाह के कलाम के लिए, जिक्र के लिए हम इस्तेमाल नहीं। इबादतों में कभी तकब्बुर ना करो। अब्दुल्ला अंदलुसी, बड़े बड़े अल्लाह वालों के शेख, अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह के शेख, अबू बकर शिबली तो वो जिनसे कई मरतबा अल्लाह तबारक व तआला हम कलाम हुआ। जब मुरीद का ये हाल, खलीफे का ये आलम है, तो शेख का आलम क्या होगा? अबू बकर शिबली के शेख अब्दुल्ला अंदलुसी, कुरान पाक के हाफिज, हजारों हदीसों के हाफिज, वक्त के फकी, वली कामिल, हज के इरादे से निकले, कई दूर जाने के बाद अचानक अपने मुरीदों से कहा कि मुरीदों तुम हज को जाओ, मैं हज को नहीं आता, जाओ तुम लोग, मैं हज को नहीं आता। मुरीदों पूछे कि हजरत कोई तकलीफ आपको? नहीं कोई तकलीफ नहीं, जाओ। क्या अचानक आपके पास माल खत्म हो गया? नहीं, जाओ, मैं आना नहीं चाहता। हजरत हज का इरादा है और आप इनकार कर रहे हैं, नहीं आना नहीं चाहता, जाओ, मेरे पीछे लगे रहोगे तो तुम्हारा हज भी जाये हो जाएगा, तुम जाओ, मैं आना नहीं चाहता। मनाए उत्ता मनाए, मुरीदीन चले गए। अब्दुल्ला अंदलुसी हज को जाने के बजाय सीधे एक दरवाजे को जाकर खिटखिटाया, दरवाजा खोला गया तो वो घर किसी ईसाई का था। ईसाई देख रहा है कि मुसलमानों का बहुत बड़ा गुरुह मेरे दरवाजे पर जानता और पहचानता था, पूछा क्यों आए मेरे दरवाजे में? तो अब्दुल्ला अंदलुसी कहने लगे, तेरी बेटी से शादी करने का इरादा है। ईसाई के घर निकाह का पैगाम, अब्दुल्ला अंदलुसी वली कामी, मुसलमानों के बड़े, ये ईसाई है, ईसाइयों से निकाह नहीं, यहूदियों से निकाह नहीं, काफिरों से निकाह नहीं। वो ईसाई देखने लगा, ओहो, मुसलमानों का बहुत बड़ा गुरु मेरे दरवाजे पर मेरी बेटी मांगने के लिए आया है, इसे ऐसे जाने नहीं देना। कहने लगा, हम तो तैयार हैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी का निकाह करने के लिए, लेकिन हमारे कुछ शराइत है, उस पर अमल करोगे तो हम अपनी बेटी तुमको दे देंगे। शराइत है, पहला शर्त, ईसाई लड़की का बाप कहता है तुम्हारा दीन अलग, हमारा दीन अलग, तुम अपने दीन से फिरोगे, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि एक साल तक सुवर चराओगे। तीसरी शर्त ये है कि तुम अपने हाथों से तुम्हारे कलाम की बेइज्जती करोगे। ईसाई है ना, हमेशा मुसलमानों के ताक में लगा रहा है, किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों के दीन को, ईमान को, शर्म को, हया को खराब करने की फिक्र ईसाइयों में, यहूदियों में, गैरों में लगी है, आज भी, आज भी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन लोगों की साजिश में साथ देने वाले हम ही हैं, हम साथ देते हैं इन लोगों का, इनकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, जिसकी वजह से आज जलील हो गए, आज मुसलमान तबाह हो रहा है, आए दिन मुसलमानों पर आफत। कई दिन पहले जो हम लोगों ने उनका साथ दिया था, उस साथ का नतीजा ये कि आज कोई सुधर जमाना सुधरने नहीं देता, ये तहजीब सुधरने नहीं देती, ये अखलाक सुधरने नहीं देते, ये हा माहौल सुधरने नहीं देता, क्योंकि चंद दिन पहले हम लोगों ने उनका साथ देकर उनसे मुआहदा कर लिया।
कोई नौजवान दाढ़ी छोड़ना चाहता है, जमाना दाढ़ी छोड़ने के लिए रास्ते नहीं दे रहा है। कोई लड़की स्कार्फ पहनना चाहती है, माहौल स्कार्फ पहनने की इजाजत नहीं देता। क्यों? चंद दिन पहले हम उनका साथ दिए थे ना, उस साथ देने का नतीजा आज सुधरना भी चाहते हैं तो सुधरने का मौका नहीं। अभी हादिया इकबाल का हाया नहीं, स्कार्फ पहनना चाहती है स्कूल में नहीं। एक बच्ची क्या करेगी? काश के उस कॉलेज में पढ़ने वाले एडमिशन से पहले पूरे मुसलमान लड़कियां एडमिशन के वक्त स्कार्फ के साथ जाते तो मजबूरन प्रिंसिपल को घुटने टेक कर उसे एडमिशन देना पड़ता था। क्यों? कि एक परसेंटेज है मुसलमानों का हर कॉलेज के अंदर, अगर मुसलमानों को हटा दिया जाए तो हमारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। इसलिए एडमिशन के वक्त वो स्कार्फ इस्तेमाल करती। और एक बच्ची नहीं, इस कलमा पढ़ने वाली हर बच्ची स्कार्फ के साथ कॉलेज को जाती तो कुछ और बात होती। एक बच्ची उठी तो मुखालफत करने वाले उठे, आज तक उसका मसला हल नहीं हो सका। जबकि हिंदुस्तान की सदर को भी मालूम है, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी मालूम है, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर को भी मालूम है, कर्नाटक के गवर्नर को भी मालूम है। क्या ये पूरी हुकूमत मिलकर एक बच्ची के सर क्या स्कार्फ का फैसला नहीं कर सकती? कर सकती है, लेकिन करेगी नहीं। क्यों? कि कोई मुसलमान का हमदर्द नहीं है। कई जमाने तक इस उम्मत की बेटियां बगैर स्कार्फ के कॉलेजों को जाकर जो माहौल बनाया वो माहौल उनके बैलेंस में आ गया। कई साल तक इस उम्मत की लड़कियां बगैर स्कार्फ के जाकर स्कूलों में कॉलेजों में जो माहौल बनाया वो माहौल उनके निगाहों के अंदर उतर कर आ गया। आज कोई लड़की स्कार्फ पहन कर जाती है तो क्लास के 50-60 लड़कियों में वो बच्ची एक अजीब नजर आती है तो फौरन उस पर कानून लागू होता है। इसी तरीके से कानपुर के अंदर पीयूसी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का बच्चा दाढ़ी छोड़कर गया तो कॉलेज का टीचर उसे पकड़कर मार रहा है। क्यों? उसे मालूम लाखों में एक मुसलमान दाढ़ी छोड़ता है, हजारों में एक मुसलमान दाढ़ी छोड़ता है, सबों में एक मुसलमान दाढ़ी छोड़ता है तो मुसलमानों की निगाहों में खुद मुसलमानों की दाढ़ियों का एतवार नहीं है तो हम क्यों कदर करें? काश ईसाइयों के सिक्कों की तरह हर मुसलमान इमामे में आ जाता, हर मुसलमान दाढ़ी में आ जाता, हर मुसलमान मजहब परस्ती में आ जाता तो फिर सारी दुनिया की हुकूमत को मुसलमानों के सामने घुटने टेकना पड़ता था। आज एक माहौल बना दिया मुसलमान दाढ़ी मुंडा मुंडा कर, एक माहौल बना दिया मुसलमान सरों को खुला रख रख कर, एक माहौल बना दिया मुसलमान लड़कियों को तिजारत करा करा कर, एक माहौल बना दिया मुसलमान बेहयाई का। इसलिए वो माहौल को लोगों ने जज्ब कर लिया, कानून बनाने के लिए पीछे हट गया। इनके निगाहों में बसाने वाले हम ही है, हम ही मुजरिम। जाओ गैरों की कॉलेज छोड़ो, खुद मुसलमानों की कॉलेज जितनी बेंगलुरु के अंदर है, मिसाल के तौर पर अलमीन कॉलेज जो हमारी मुसलमानों की है, दर्द और फिक्र से बनाई गई है, तालीम को फरोग देने के लिए बनाई गई है। जाओ जाकर देखो कि वहां कितने मुसलमान लड़के टोपियों के साथ आते हैं, कितने बगैर टोपियों के, कितने मुसलमान लड़के दाढ़ियों के साथ आते हैं बगैर दाढ़ी के। मुसलमान ही का मेंटेनेंस है ना, इंतजामिया मुसलमानों का है ना। क्यों? किसी कॉलेज के कानून में है क्या टोपी पहनना जुर्म है? किसी कॉलेज के कानून में है क्या दाढ़ी रखना जुर्म है? क्यों मुसलमान होने के बावजूद ये कानून नहीं बना सकते कि ये मुसलमानों की कॉलेज है या टोपी के साथ आना पड़ेगा? क्यों ये कानून नहीं बना सकते कि मुसलमानों की कॉलेज है दाढ़ी के साथ आना पड़ेगा? क्यों ये कानून नहीं बना सकते कि मुसलमानों की कॉलेज है जुब्बे के साथ आना पड़ेगा? क्यों ये कानून नहीं बना सकते मुसलमानों की कॉलेज टकने से ऊपर पहनना पड़ेगा? क्या मुसलमान नहीं बना सकता? इन गैरों ने देखा, जब मुसलमान खुद मुसलमानों पर कानून नहीं लगाते तो हम तो काफिर हैं, क्या मुसलमानों पर कानून लगाए? एक दाढ़ी छोड़ने वाला यकीनन गैरों की निगाहों में खटकेगा, एक स्कार्फ पहनने वाली यकीनन गैरों के अंदर खटकेगी। माफ फरमाए मुझे दोस्तों, कॉलेज पे स्कार्फ की पाबंदी तो दूर की बात, घरों के अंदर कितने मां बाप हैं जो अपनी जवान बच्ची को ओढ़नी पर पाबंदी लगाते हैं? कॉलेज में दूर की बात, लड़की बालिग कब होती है? 15 साल में नहीं, कभी 11 साल में, कभी 12 साल में, कभी 13 साल में, कभी 8 साल में, कभी 7 साल में बालिग हो जाती है। मर्दों से पहले औरतों का कौन शुरू हो जाता है अल्लाह के दरबार में? फुकहा
نے فرمایا مردوں کا اکاؤنٹ 15 سال میں شروع ہوتا ہے, کبھی کوئی مرد 14 سال میں بالغ ہوتا ہے, بہت کم ایسے نوجوان ہوں گے جو 12-13 سال میں بالغ ہوتے ہیں. فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اکثر لڑکے 14 سال کی عمر میں, یا نہیں تو اکثر لڑکے 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں. بالغ ہونے کے بعد شریعت کا اکاؤنٹ شروع ہوتا ہے, لیکن مردوں سے پہلے عورتوں کا اکاؤنٹ شروع ہو جاتا ہے. 11 سال میں بالغ ہوگی تو شریعت کے قانون نافذ, 8 سال میں بالغ ہوگی شریعت کے قانون نافذ, 10 سال میں بالغ ہوگی شریعت کے قانون نافذ. جب کسی گھر کے اندر 10 سال کی لڑکی بالغہ ہوتی ہے تو اس کی بلوغت کو خود اس کے ماں باپ چھپاتے ہیں. 10 سال کی عمر میں برقع اڑا دیے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی 10 سال کی عمر میں اس جوان لڑکی کو جسے شریعت بالغہ کہتی ہے اسے چھپا کر بے حیا بنا کر بھیجنے والے خود ہم مسلمان ہوتے ہیں. امی برقع پہنو نکو کہ ابھی پہننے کو 17-18 سال میں پہنو. خود ماں باپ کانپور کے کالج میں ایک ٹیچر غیر مسلم گائے کا پیشاب پینے والا پتھر کی پوجا کرنے والا دین نہیں مذہب نہیں کتاب نہیں ایک داڑھی والے کو مارتا ہے کوئی تعجب کی بات نہیں. اس دھرتی کے اندر کتنے مسلمان باپوں کو میں بتا سکتا ہوں کہ جن کی اولاد داوی داڑھی چھوڑتی ہے تو گھر کے دروازے پر پیٹے ہیں. اب بتاؤ کہ وہ غیر بہتر ہے کہ یہ مسلمان بہتر. ہم نے تو داڑھی مڈے ہوئے چہرے پیش کیے, بغیر اسکارف کے چہرے ہم ہی تو پیش کیے, بغیر برقع کے چہرے ہم ہی تو پیش کیے. اب ان کے نگاہوں میں بس گئی سکوں کی طرح. اگر ہمارے پاس بھی مذہب پرستی آ جاتی ان کے مذہب کی طرح, ہمارے مذہب کے قانونوں پر بھی ہم عمل کر لیتے تو جیسے ہیلمٹ کا قانون ان کے لیے معاف تو ان سے پہلے مسلمانوں کے لیے معاف ہو جاتا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ دپٹا کیوں پہنتے ہیں؟ کیونکہ گرو نانک جی نے دپٹا پہنا. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ گرو نانک بھی ایک زمانے کے بہت بڑے ولی کامل تھے, نبی کے سچے عاشق تھے. جب نبی کے عاشق کی نقل کر کے وہ دپٹا پہنتے ہیں, ہم کو ڈائریکٹ نبی کی نقل کرنے میں کیا گیا؟ وہ دپٹا پہنے پارلیمنٹ کو گئے, دپٹا پہنے فلم انڈسٹری کو گئے, دپٹا پہنے میدان کرکٹ کو اترے, دپٹا پہنے میدان فٹ بال میں اترے. سب قربان کرنے کے لیے تیار, لیکن اپنے سر کا تاج قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. شرم سے ڈوب جا مسلمان, اس دھرتی کے اندر تیرا وزن سب سے زیادہ وزن ہے زمین کو, کہ تم مسلمان ہو کر ڈپٹا تو ڈپٹا گلی میں راستوں میں چوکوں میں بغیر ٹوپی کے پھرنے والا مسلمان تو ہے. تو پھر وہ قانون پاس نہیں کریں گے تو کیا تٹے میں تیرے لیے اگریمنٹ پاس کریں گے؟ کتنے مسلمان اسکولیں ہیں بتا سکتا ہوں میں؟ صاف ڈنکے کی چوٹ میں کہہ سکتا ہوں میں کتنے مسلمانوں کے کانوٹ ہیں, کتنے مسلمانوں کے کالج ہیں, کتنے مسلمانوں کے یونیورسٹیاں ہیں جہاں پر خود مسلمان شرم و حیا کی دعوت نہیں دیتے, شرم و حیا کا انتظام نہیں کرتے. ڈیڑھ مہینہ پہلے نہیں, رمضان ہو کر بھی ڈیڑھ مہینہ نہیں ہوا, کہ 20-22 دن پہلے ایک اسکول کو جانا ہوا, اسکول کو دیکھتا کیا ہوں, چلانے والے ایک بہت بڑے حاجی صاحب, مسجد کے ذمہ دار, لیکن جو وہ اسکول چلاتے ہیں اس اسکول میں جوان لڑکے اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم ہے. فرق کیا کہ ایک کالج کی روم میں ایک سائڈ میں لڑکے بیٹھتے ہیں ایک سائڈ میں لڑکیاں بیٹھتے ہیں. کیا بی ٹی ایس بس ایک سیٹ لڑکے بیٹھ گئے ایک سیٹ لڑکیاں بیٹھ گئی تو کیا پردہ ہو گیا؟ نہیں, پردہ تو وہ ہے کہ مرد کی نگاہ تو دور کی بات, خیال بھی لڑکی کی طرف نہ جائے, لڑکی کی نگاہ تو دور کی بات, لڑکی کا خیال بھی مرد کی طرف نہ جائے. مسلمان اسکولوں کے اندر جب یہ قانون ہے تو غیر کیا کریں گے میرے دوستوں؟ سب داڑیاں چھوڑ لے. کوئی حکومت ہے اس داڑھی کے ایک بال کو مٹانے کی طاقت رکھتی ہو؟
सब इमामे पहनकर जितने भी मुसलमान हैं गाड़ियों में फिरना शुरू करें और हुकूमत को ललकारे कि हम हेलमेट को नहीं मानते, हम दुपट्टे को मानते, हेलमेट तेरा कानून है, दुपट्टा नबी का कानून है, अपने इश्क को बताए, तो फिर घुटने टेक कर मुसलमानों को भी हेलमेट माफ करना पड़ेगा। सब मेरी माए मेरी बहने इस्काफ के साथ स्कूल को जाए, निकाब के साथ स्कूल को जाए, बुरके के साथ स्कूल को जाए, तो फिर कानून स्कूल के कानूनों को भी बदलना पड़ेगा, नहीं मुसलमान ऐसे ही आए। सब दाढ़ियां छोड़कर जाए, स्कूलों के कानूनों को बदलना पड़ेगा। उन गैरों का साथ देने वाले हम, मिल्लत की कोई लड़की अगर तनहा उठ गई तो फिर उसका मसला आज भी लटक रहा है, क्या कर रही है एक महीने से इस धरती की हुकूमत, क्या कर रहे हैं कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, क्या कर रहे हैं कर्नाटक के गवर्नर, क्या कर रहे हैं कर्नाटक के उकला। मिनटों में पास कर सकते हैं एक बच्ची का स्काफ का मसला, लेकिन अब तक लटका हुआ है। मिनटों में पास कर सकते हैं टोपियों का मसला, अब तक लटका हुआ है। क्यों? कि इस कौम के अंदर सबसे पहले किसी चीज की कमी है तो वो इत्तेहाद की कमी है, इत्तेफाक की कमी है। होश में आ जाओ मेरे दोस्तों, आज से अपनी सूरतों को बदल लो, अपने लिबास को बदल लो, अपनी तहजीब को बदल लो, बस आ जाओ अमल के मैदान में, कहो कि हमारे पास सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल का कानून चलेगा, बाद में दुनिया का कानून चलेगा। सब दाढ़ियां छोड़ना शुरू कर दो, सबके चेहरों पर दाढ़ियां आ जाए तो फिर निजाम बदल जाएगा, कानून बदल जाएगा। सब इमामे और टोपियों में आ जाए, कानून बदल जाएगा। अरे इस मुल्क का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों का है, हिंदुस्तान में भी चुपके नाम को हम लोगों को बदनाम करने के लिए अकलियत कहते हैं, हकीकत में हम लोग अक्सरियत में हैं। 125 करोड़ आबादी वाले मुल्क में 35 करोड़ तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मुसलमान है, फिर 35 करोड़ मुसलमान रहने के बाद भी एक एक मसले में ये मेजॉरिटी वाला मजहब क्यों अटक रहा है? इसलिए कि हम गैरों का साथ दे रहे हैं। ये गैर किसी भी तरीके से हम लोगों को खरीदना चाहते हैं, जैसा कि उस ईसाई बेटी का बाप अब्दुल्ला अंदलुसी को कहा कि हम बेटी देने के लिए तैयार, गरचे के मेरी बेटी जवान, तुम्हारी उम्र बूढ़ी है, लेकिन हम देंगे जरूर, लेकिन तुमको कुछ शराइत है। पहली शर्त यह है कि तुम मजहब बदलो, दूसरी शर्त यह है कि तुम सुवर चढ़ाओ, तीसरी शर्त यह है कि कुरान की तौहीन करो। अब्दुल्ला अंदलुसी कहने लगे, दो शर्तें मंजूर हैं, एक शर्त मंजूर नहीं है। किताब किताब है, तुम्हारी भी मुकद्दस किताब, हमारी भी मुकद्दस किताब, ये हाँ हम उसे पढ़ना छोड़ देंगे, उठाना छोड़ देंगे, देखना छोड़ देंगे, तकरीर छोड़ देंगे, लेकिन उसकी बेइज्जती और तौहीन नहीं करेंगे। जहां तक मसला है मजहब बदलने का, आज से हम तेरे मजहब में हैं। जहां तक सुवर चराने का मसला है, एक दौर में हम बकरियां चराते थे, आज एक लड़की के वास्ते हम सुवर चराने के लिए तैयार हैं, क्योंकि औरत है तो वो चीज। औरत का जब सवाल आ जाता है तो क्या क्या कुर्बान कर देते हैं आज के नौजवान। मोहब्बत है तो वो चीज, मान मर्यादा इज्जत आबरू दीन ईमान मजहब सब कुछ खत्म। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहब्बत से बचो, ईमान की हिफाजत करो, अपनी औलाद पे कड़ी नजर रखो। एक बात याद आ रही है, अर्ज कर देता हूं, तुम कमाकर घर में गंजी बनाओ, औरतों की कमाई से बिरयानी बनाना सख्त हराम है। अल्लाह ने मुसलमान को एक अजीब किस्म का हुस्न दिया है, वो चाहे मर्द बना हो या औरत, हमारे हुस्न से वो लोग बहुत लज्जत हासिल करते हैं। कल ही एक नौजवान का फोन आ रहा है कि हजरत हमें एक केस पकड़े। क्या बाबा पकड़े? बराबर फिले और के पास हम लोग एक लड़का लड़की को पकड़े, लड़का गैर मुस्लिम, दो दो तीन तीन बच्चों का बाप है, लेकिन उसके पीछे की सीट में जो बैठी हुई थी वो मुसलमान लड़की। फिर इनका ताल्लुक कैसे हुआ? ऑफिस में एक जगह काम करते हैं, ओहो काम करने का नतीजा यहां तक आ गया। काश वो माँ बाप अपनी बच्ची को घर के अंदर संभाल कर रख लेते, गंजी पिला देते, क्या उनकी इज्जत बाहर जाती?
औरतों की कमाई, औरतों का पैसा, इस्लाम इजाजत नहीं देता। वो घर के अंदर काम करेगी, मर्द घर के बाहर काम करेगा। औरत ही एक चीज ऐसी है। अब्दुल्ला अंदलुसी फौरन मजहब बदल दिए, सर का इमामा निकाल लिए, सुवरों को लेकर वो असा जो मिंबर पे खड़े होकर लोगों की हिदायत के लिए इशारे किया करते थे, आज वो असा लेकर सुवरों को चरा रहे हैं। हज का पूरा सीजन गुजरा, वापसी उसी रास्ते से हो रही है। अबू बकर शिबली और उनके जीजर दूसरे साथियां भी थे। देखते क्या है कि एक वक्त में मसनद पे बैठकर शेख इस्लाह की बातें करता था, लेकिन आज वही शेख हिदायत से खाली हो गया है। हाजी की दुआ बड़ी मकबूल होती है ना। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हजरत हज के उनवान पे बात करो, इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा हज का सिलसिला शुरू करने का इरादा है। हाजी की दुआ तो बड़ी मकबूल होती है, उन्हें दाढ़ी मुंडा को आ जाती भी मकबूली, उतरते से उतरते दाढ़ी मुंडा को रहता उन्हें। अब पूरे हुज्जाज मिलकर दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे शक की हिदायत का फैसला फरमा, हमारे शक की हिदायत का फैसला फरमा। क्या देख रहे हैं, बकरियों को चराने वाला शेख सुवरों को चरा रहा है, इमामा बांधकर मिंबर में खड़ने वाला शेख सर पे इमामा नहीं कमर में पट्टी बांधकर दरख्त के नीचे सुवरों की हिफाजत कर रहा है। जिसके जुबान पे कुरान और हदीस के अल्फाज निकलते थे, वो सुवरों को चराने के लिए हा 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 का लफ्ज निकाल रहा है। मुरीदीन का रोना, नदी नाले की तरह आंसुओं का बहना लगा। दुआ करते हैं, अल्लाह ताला दुआ को कबूल करके हिदायत का फैसला कर लिए। फौरन अब्दुल्ला अंदलुसी अपने आप को झटकते हैं, सीधे गए कुएं में जाकर गुस्ल वगैरह करके, फिर इमामा बांधकर दो रकात शुक्राना नमाज पढ़कर, फिर वो विलायत के आसार चेहरे पर आते हैं। अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह सीधे गए, सलाम किए, मुसाफा किए, शेख को देखे, पहचान लिए शेख, पूछने लगे हजरत इतनी बड़ी आफत आई क्यों हजरत, आखिर आपका दिल बदल गया, ईमान बदल गया, तरीका बदल गया, हज को भी नहीं आए, क्या हुआ हजरत? तो हजरत ने फरमाया मेरी एक छोटी सी गलती की अल्लाह ने मुझे सजा दी है। हजरत क्या गलती हुई? हमारे साथ घर से निकले, नमाज इबादत कुरान तिलावत सब कुछ हो रहा था, लेकिन आपसे क्या गलती हुई हमने नहीं देखा। तो हजरत ने फरमाया पानी पीने के लिए फला मुकाम पर हम खड़े रहे, पानी सेन रहे थे तुम लोग, बिल्कुल करीब में एक मंदिर नजर आई, मंदिर में कुछ लोग इबादत कर रहे थे, उनकी पत्थरों की इबादत को देख कर मेरे दिल के अंदर ये फकर पैदा हुआ कि देखो उनसे हमें अच्छे, इसलिए कि हमारे पास दीन है उनके पास दीन नहीं है। ये फकर करना अल्लाह को पसंद नहीं आया, तो मेरे दीन को छीन लिया। दौलत पर, हुकूमत पर, हुस्न पर, घर पर, प्रॉपर्टी पर, ओहदे पर फकर करना तो दूर की बात, अल्लाह को दीन पर फकर करना भी पसंद नहीं। क्योंकि ये दीन तुम्हारे बाप दादा की जागीर का हिस्सा नहीं है, खुदा के फजल का हिस्सा है। तो इज्जु मन तशा तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, जिसे चाहता है वो इज्जत देता है ईमान देकर, जिसे चाहता है वो जलील कर देता है ईमान छीन कर, क्योंकि तमाम कुदरत उसके हाथ में। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। फकर न करो, ईमान का शुक्राना अदा करो, फिर अमल के मैदान में आ जाओ मेरे दोस्तों। दुनिया बिलखसूस तीन चार चीजों की सख्ती के साथ मुखालफत कर रही है, एक औरतों के शर्म और हया की, एक मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी की, तीसरा कुरान की। इन तीन चीजों की सख्ती से मुखालफत हो रही है, तो गैरों की मुखालफत करने के लिए आज हमको मैदान में उतर कर बताना पड़ेगा कि नहीं, अब तक हम लोग गफलत में थे, आज के बाद गफलत नहीं। हादिया एक बच्ची नहीं, आज हर घर के अंदर जो भी बच्ची है वो हादिया का जज्बा लेकर पैदा होगी। एक कानपुर का स्टूडेंट्स नहीं, हमारे घर के अंदर ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं। ये कानून घर के अंदर तुम पास करो, बाहर खुदा कानूनों को पास कराएंगे। बोलो इंशाल्लाह पास करेंगे। अपने घर के अंदर ये कानून पास करो कि आज के बाद हमारी जवान बेटी भी बगैर सर में पल्लू डाले नहीं आएगी। आज जुमे के बाद जाने के बाद अपनी बेटियों को यही नसीहत करेंगे, बल्कि बीवियों को भी नसीहत करना। हालांकि बीवी को सर खुला देखना जायज है, चेहरा खुला देखना वो तो चीज है ही हमारी,
जो नफे और फायदे की है, इसके बावजूद अपनी बीवी को भी कानून लगाओ, मेरी बेटी के सामने तुम्हें सर खुला रखना नहीं है ताकि मेरी बेटी तुमको देखकर गलत माना ना ले। बोलो इंशाल्लाह, बोलेंगे सूच को बोलो जी इंशाल्लाह, जोर से बोलो। छोड़ो हजरत, घर में जाकर कहाँ बोलना, तुम ना तसल्ली को बोल रहे, उन्हें बोलेंगी जैसा मैं तुम्हारे सामने बगैर पल्लू के नहीं आती, तुम्हें मेरे सामने टोपी के बगैर नहीं आना। हाँ इंशाल्लाह बोलेंगे क्या, देखे डाउन, हमें भी टोपियों के साथ रहेंगे, वो भी स्काफ के साथ रहेंगे, स्कूलों को भेजेंगे बुरके के साथ भेजेंगे, स्काफ के साथ भेजेंगे, हमारा बच्चा जवान होगा तो इंशाल्लाह ताला दाढ़ियां छोड़ेंगे सब। इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, काश इस वक्त सही नीयत के साथ ग्राउंड फर्श सकें और बाहर खड़े हुए तमाम लोग सही जज्बे के साथ सिर्फ गैरों की मुखालफत करने के लिए, अल्लाह उसके रसूल को खुश करने के लिए दाढ़ी का ऐलान अगर कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे वजह से, आपकी वजह से अल्लाह ताला हालात के फैसले बदल देगा। बोलो अल्लाह रखेंगे दाढ़ी, अल्लाह ताला आपके चेहरों को नबी की सुन्नत से सवारे। आखिर में हज़्म मामूल हमारी मस्जिद के चंदे के मुतालिक आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि हमारी मस्जिद के लिए तामीर और तौसी के लिए ज्यादा से ज्यादा चंदा इनायत फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला आपके देने को हमारे दिलाने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।